दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हमें सबसे पहले इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल साइट है इसके ऊपर आना होगा। इसके ऊपर आने के बाद हमें इसके ऊपर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए हमें लॉगिन का ऑप्शन ये दबाएंगे, उसके बाद लॉगिन वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये लॉगिन का ऑप्शन खुल गया है, जिसमें अपना जो पेन नंबर होता है पेन नंबर दबाएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पेन नंबर टाइप करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड हमें इसमें पासवर्ड डालना होगा। फ्रेंड पासवर्ड डालने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड ये अपना जो ई फिलिंग का जो पोर्टल है उसमें हम लॉगिन हो चुके हैं। इसी के अंदर हम अपना ITR फाइल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझाने वाले हैं कि ITR कैसे फाइल करेंगे। ये देखिए अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद ये पेज खुला है जिसमें हम ITR फाइल करेंगे। तो जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर में, फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, तो इसके ऊपर फाइल नाउ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके हम अपना ITR फाइल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फ्रेंड इनकम टैक्स रिटर्न का पेज खुल गया है, जिसमें ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है असेसमेंट ईयर वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये करंट असेसमेंट ईयर है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको वैसे कैसे छोड़ देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मोड ऑफ फाइलिंग दिखाई दे रहा है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दो ऑप्शन है, तो हम ऑनलाइन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद फ्रेंड स्टार्ट न्यू फाइलिंग ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम अपना नया फाइलिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन में इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड ITR वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। ITR 1 सेलेक्ट करने के बाद ये प्रोसीड विद ITR 1 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये हमारा फॉर्म खुल चुका है, तो लेट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके इसको स्टार्ट करेंगे फॉर्म फिल करना। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा है आर यू फिलिंग दिस इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी अदर रीज़न, मतलब किस रीजन से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। तो इसमें देख लेंगे सारे, बहुत सारे रीज़न दिए हुए हैं जो आपको एप्लीकेबल है वो आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम पहला वाला जो ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इसके ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फ्रेंड ये टोटल पेज खुल गया है, इसके अंदर हमारा बारी बारी से सारे ऑप्शन फिल करेंगे। इसके अंदर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम भरेंगे, फिर टोटल डिडक्शन भरेंगे, टैक्स पेड भरेंगे, टैक्स पेड लाइबिलिटी है, तो सबको एक एक करके भरेंगे और एक भरते जाएंगे और इनेबल ये होता जाएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपना प्रोफाइल खुल गया है, जिसमें हमारा सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नाम नंबर आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल एड्रेस, तो सब कुछ देख के और अपना भर देंगे। तो ये नेचर ऑफ एम्प्लॉइज़ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम जिस एम्प्लॉय में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, जो भी आपका वो है उसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे। उसके बाद इसको खाली छोड़ेंगे, ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है आर यू ऑप्टिंग अ न्यू टैक्स रेज्यूम, इसके अंदर यस या नो, तो इसमें हम नो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसको ऊपर करेंगे और बैंक डिटेल चेक करेंगे। बैंक डिटेल में हमारे जितने भी बैंक हैं लिंक हैं वो सब शो करेगा। तो आप रिफंड जिसमें मंगाना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम फर्स्ट वाला में मंगाना चाहते हैं तो फर्स्ट को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे और कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड देखिए जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है वो कंफर्म हो गया है और हमारा ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है। तो हम
ग्रॉस टोटल इनकम, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा सैलरी एग्जेम्पशन है उसके ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमारा जो भी ग्रॉस सैलरी है उसको यहाँ लिखेंगे। जो हमारा फॉर्म 16 में जो दे रखा है सेम वही मैच कराना है इसमें, तो फॉर्म 16 देख के इसको फिल करेंगे। तो चलिए हम अपना फॉर्म 16 देख लेते हैं। ये देखिए हमारा फॉर्म 16 आ गया है। इसके अंदर हमारा जो टोटल ग्रॉस सैलरी है वो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है इसको हम वैसे के वैसे वहाँ ग्रॉस सैलरी में लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं। ये देखिए हमारा ग्रॉस सैलरी वाला जो ऑप्शन है इसमें 17-1, इसके ऊपर हम अपना जो ग्रॉस सैलरी है वो टाइप करेंगे। ग्रॉस सैलरी टाइप करने के बाद फ्रेंड इसमें जो है एग्जम्प्ट अलाउंसेस, जो हमारा अलाउंसेस एग्जम्प्ट हुआ है उसको एंटर करेंगे। तो इसको भी हम फॉर्म 16 की सहायता से फिल करेंगे। इस तरह फ्रेंड हमारा जितने भी एग्जम्पशन है वो सारा फॉर्म 16 में देख के और सारा का सारा अमाउंट यहाँ एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद फ्रेंड हमारा जो डिडक्शन है 50,000 का वो अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद हमारा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, मतलब हमारा जो इनकम टैक्स जिसके अंदर चार्जेबल होगा ये पूरा शो करेगा। उसके बाद फ्रेंड ये जो सेव वाला ऑप्शन है उसको ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा अपना क्रॉस सैलरी देख लेंगे, एग्जम्पशन देख लेंगे और कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड जो ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो ऑप्शन है वो कंफर्म हो गया है, उसके ऊपर ग्रीन टिक लग गया है। उसके बाद फ्रेंड टोटल डिडक्शन वाला जो ऑप्शन है ये इनेबल हो गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फ्रेंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो हमारा डिडक्शन है वो जितना भी डिडक्शन हमारे लिए रखे हैं वो इसमें एंटर करेंगे फॉर्म 16 की सहायता से। तो देख लेते हैं फॉर्म 16 में कौन सा डिडक्शन है वो उसको यहाँ एंटर कर देंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी अन्य डिडक्शन लिए हैं या कोई आपका हेल्थ इंश्योरेंस है या मेडिकल क्लेम है ये लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड इनका ATC में 36,364 ये है, तो इतना ही हम ATC में डिडक्शन ले पाएंगे। तो चलिए ले लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड ATC में अपना जो डिडक्शन अमाउंट है वो एंटर कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड ये कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ATC में हमारा कितना डिडक्शन है वो दिखा रहा है। यदि आप ATD में डिडक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ एंटर कर सकते हैं, और भी अन्य कोई डिडक्शन लेना चाहे वो भी यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो सब कुछ देखने के बाद कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड जो टोटल डिडक्शन वाला जो ऑप्शन है वो भी कन्फर्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्स पेड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। टैक्स पेड वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा जितना भी TDS का डिडक्शन हुआ है वो देख सकते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं हमारा कितना डिडक्शन हुआ है। ये डिडक्शन अपना फॉर्म 16 से मैच कर लेंगे और कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड देखिए टैक्स पेड वाला जो ऑप्शन है वो भी कन्फर्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये जो ऑप्शन है सब चेक कर लेंगे हमारा कितना लायबिलिटी बनता है, टैक्स कितनी बना है। उसके बाद कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड देखिए हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है टैक्स लायबिलिटीज, ये भी कन्फर्म हो चुका है। सब कुछ चेक करने के बाद प्रोसीड जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। अमाउंट पेएबल 0 आ गया है। जब अमाउंट पेएबल 0 आ जाए तो समझिए सब कुछ ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ये जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर चेक करेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा पूरा जो फॉर्म है वो दिख जाएगा। इस फॉर्म को एक बार फिर से चेक कर लेंगे, ऊपर से नीचे तक देख लेंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे।
और इस तरह से अपना फॉर्म को जमा कर देंगे। तो फ्रेंड इस तरह आप बड़े आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो भी फॉर्म 16 की सहायता से। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।